एडीजी जो नखिल कुमार ने ट्रैफिक विभाग व नागरिकों के सहयोग से लोगों में ट्रैफिक के प्रति जागरूकता के लिए बनाए गए सॉन्ग को लॉन्च किया, जिसके संबंध में एडीजी जो नखिल कुमार ने बताया कि ट्रैफिक पुलिस द्वारा नागरिकों के सहयोग से यातायात जागरूकता सॉन्ग को लॉन्च किया गया है, जिसका बोल बहुत अच्छा है और गाने को भी बहुत अच्छा बनाया गया है। उम्मीद है कि इस सॉन्ग के माध्यम से लोग ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूक होंगे। इस समय यातायात माह चल रहा है, ट्रैफिक पुलिस लोगों में जागरूकता के लिए लगातार प्रयास कर रही है, जो कि बहुत ही कारगर सिद्ध हो रहा है। अब लोग ट्रैफिक नियमों का पालन कर रहे हैं। इस अवसर पर एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई, एसपी ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह सहित अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीजी जोन अखिल कुमार ने कहा, आप सभी को यातायात माह की हमारे सिटी साहब कृष्ण विष्णु जी और डॉक्टर रणकी सिंह और साथ में हमारे नए चेहरे आपको भी स्वागत करता हूँ। एक बार वीडियो प्ले करें, सभी लोग वीडियो को देखते हैं, जिसको सर सर को दे दें वो क्लिक करते हैं। आप सभी को याद है कि एक समय था सोमवार का जाम बहुत तेजी से, उससे हम लोग निजात पा चुके हैं, क्योंकि बदलाव भी बहुत हुआ है और पुलिस की है, आप लोग के नए प्रयास की है, उसमें कहीं हम लोग यहाँ जीरो हो जाएंगे चालान काटने में, मीन्स जागरूकता बढ़ रही 100% देखना शुरू हो जाएगा। धन्यवाद। अब बाकी मैं चाहूंगा दोस्त आशीर्वाद के लिए एडीजी सर को। फोटोग्राफी की, वीडियो की पूरी टीम है जो बनाया है इन्होंने सॉन्ग, और जिससे लोग देख के मोटिवेट होंगे। और क्या नवंबर माह में पूरे प्रदेश में उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा मनाया जाता है, और इस माह के दौरान विशेष रूप से अवेयरनेस के प्रोग्राम किए जाते हैं। उसी कड़ी में आज गोरखपुर पुलिस द्वारा एक नया प्रयोग किया गया है, जिसमें हमारे मनीष पांडे जी और गजेंद्र त्रिपाठी जी की टीम ने ट्रैफिक पुलिस गोरखपुर के साथ एक अवेयरनेस सॉन्ग बनाया है, जिसका डिस्प्ले हम लोग अभी देख रहे थे। तो एक बड़ा अच्छा इनोवेटिव सॉन्ग है, आपने देखा ही होगा। इसमें मनीष पांडे जी डायरेक्टर थे, एसके सोनी साहब हैं, राजीव जी हैं, आर्टिस्ट में गजेंद्र त्रिपाठी, विनीत पांडे, प्रशांत समरेश, मनोज कश्यप, ये पूरी टीम ने मिलकर और ट्रैफिक पुलिस के सहयोग से एक अच्छा अवेयरनेस सॉन्ग बनाया है। मुझे उम्मीद है कि ये जनता को पसंद आएगा। देखिए, जो ट्रैफिक है और ट्रैफिक में नियमों का पालन करना बहुत ही अवश्य है, और ये आपके और जनता के स्वयं के सेफ्टी से रिलेटेड इशू है। अगर वो सेफ चलेंगे, हेलमेट पहनेंगे, सीट बेल्ट लगाएंगे, तो वो सुरक्षित रहेंगे। ज़्यादातर जब एक्सीडेंट होती हैं, जब ट्रैफिक है और रोड पे जब आप चलेंगे, तो स्वाभाविक है कि कभी ना कभी एक्सीडेंट होने की संभावना रहती है। वहाँ पे आपके द्वारा लिए गए सेफ्टी मेजर्स ही आपके जीवन को बचा सकती हैं। उसमें हेलमेट पहनना, गाड़ी में सीट बेल्ट लगाना, और जब आप हाईवेज पे हैं विशेष रूप से गाड़ी में, आप चाहे आगे बैठे हों पीछे बैठे हों, सीट बेल्ट अवश्य लगाना, ये बहुत ज़रूरी है। इसी क्रम में जो अवेयरनेस की जा रही है गोरखपुर पुलिस द्वारा, ना जो ये प्रोग्राम अवेयरनेस प्रोग्राम, पूरी टीम जो गोरखपुर की टीम है, मनीष पांडे और गजेंद्र त्रिपाठी जी की, मैं उनको बधाई देता हूँ कि इस ओर उन्होंने एक सराहनीय प्रयास किया है। और मुझे उम्मीद है कि जो पूरी हमारी ट्रैफिक पुलिस जो अच्छा काम कर रही है, जो हमारा
ग्राउंड पर खड़ा है, हर चौराहे पे जो हमारा होमगार्ड खड़ा है, हमारा ट्रैफिक पुलिस का सिविल पुलिस के खड़े हैं, ट्रैफिक पुलिस के लोग खड़े हैं, दिन और रात मेहनत करके गोरखपुर में एक अच्छी व्यवस्था दे रहे हैं। उन सभी को मैं बधाई देता हूँ, इसी प्रकार पूरे मनोयोग से काम करते रहेंगे। आज उत्तर प्रदेश का झंडा दिवस भी है पुलिस का। आज ही के दिन सन 1952 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश पुलिस को यह झंडा दिया था और पहला पुलिस बल था पूरे देश में जब ये झंडा हमें मिला था। और ये एक इतिहास है उत्तर प्रदेश पुलिस की, गौरवशाली इतिहास है, जहां नित नए आयाम, नित नए उपलब्धियां हम कायम कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग सतत प्रयास कर रहे हैं कि जनहित में हमारे कार्य हो और जनता को ज़्यादा से ज़्यादा हम राहत दे सके। मैं पुनः सभी टीम को, गोरखपुर पुलिस को खास करके, इस इनिशिएटिव के लिए बधाई देता हूँ। थैंक यू। देखिए, गोरखपुर पुलिस और गोरखपुर की जो ट्रैफिक पुलिस है, जो हमारा परिवहन विभाग है यहाँ पर, इन लोगों ने मिलकर गोरखपुर की स्थानीय टीम है यहाँ पे, मनीष पांडे, गजेंद्र त्रिपाठी जी की, जो आर्टिस्ट हैं और मूवी मेकिंग में हैं, उन लोगों के साथ मिल के ट्रैफिक अवेयरनेस पर एक गीत बनाया है, जिसके बोल बहुत अच्छे हैं और गाना भी काफ़ी अच्छा बनाया है। मुझे उम्मीद है कि उनके पहल से जो ट्रैफिक एजुकेशन का काम हो रहा है, उसमें एक और ऊर्जा मिलेगी, एक नई दिशा मिलेगी। और नित नए जो मेहनत कर रही है गोरखपुर पुलिस जनपद की ट्रैफिक व्यवस्था को सुधार करने में, पूरी की पूरी टीम मिलकर एक योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ रही है, उसमें एक नया दिशा और नई लेवल पे जाएंगे इस एजुकेशनल वीडियो के थ्रू।